हमारे भारत देश पर लगभग 200 सालों से भी ज्यादा सालों तक राज करने के बाद शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर सबसे आखिर तक डटा रहेगा। जो कि रहे भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे चल रहे उम्मीदवार ऋषि सुनक। ऋषि वैसे तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म और रहना पालन पोषण इंग्लैंड में ही रहा है। ऋषि का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ एक हिंदू परिवार में। ऋषि के ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में हुआ था देश के आजाद होने से पहले, लेकिन वह अपने पूरे परिवार के साथ ईस्ट अफ्रीका चले गए और ईस्ट अफ्रीका से यूके। ऋषि के फादर का जन्म केन्या में हुआ एंड मदर का जन्म तंगानिका, जो कि आज के मौजूदा समय में तंजानिया का हिस्सा है। ऋषि के फादर यशवीर पेशे से एक जनरल प्रैक्टिशनर है एंड मदर उषा फार्मासिस्ट, जो कि एक लोकल मेडिकल फार्मेसी ऑपरेट करती हैं। ऋषि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से पूरी करी है, जिसमें वह हेड बॉय के तौर पर भी काम कर चुके हैं एंड एडिटर भी रहे हैं स्कूल न्यूज़पेपर के। ऋषि ने अपनी ग्रेजुएशन 2001 में पूरी करी, जिसमें ऋषि ने फिलॉसफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, जिसके बाद 2006 में एमबीए की डिग्री प्राप्त करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि ने अपने करियर की शुरुआत करी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक के साथ एज अ एनालिस्ट, जिसके साथ वह जुड़े रहे साल 2001 से 2004 तक, जिसके बाद वह जुड़े हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एज अ पार्टनर 2006 में। 2006 से 2009 तक कंपनी के साथ जुड़े रहने के बाद नवंबर 2009 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी, जिसके बाद वह हिस्सा बने अपने ही एक पुराने कलीग के द्वारा ही शुरू की गई कंपनी थेलेम पार्टनर्स का, जिसके साथ वह एक साल के भी कम समय में जुड़े अक्टूबर 2010 में। 2013 में वह डायरेक्टर के तौर पर भी नियुक्त किए गए अपने फादर इन लॉ की ही इन्वेस्टमेंट कंपनी कैटरमैन वेंचर्स में, जिसका वह हिस्सा रहे 2013 से 2015 तक। ऋषि 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से पहली बार चुने गए थे रिचमंड यॉर्क्स के लिए। रिचमंड यॉर्क्स की सीट पार्टी का गढ़ मानी जाती है, जिस पर पार्टी का कब्जा 100 साल से भी ज्यादा समय तक रहा है। इस सीट पर पिछली बार सांसद रहे विलियम हैग ने डिसाइड करा था इलेक्शन ना लड़ने का 2015 में। वह इसी सीट से लड़कर पहली बार ब्रिटेन की संसद में पहुंचे, जिसे उन्होंने 19,550 यानी कि 36.2% मतों से जीता था। अपने पहले ही पार्लियामेंट टेन्योर के दौरान वह हिस्सा रहे थे एनवायरनमेंट फूड एंड रूरल सेलेक्ट कमेटी के। ऋषि ने 2016 में जॉनसन कैबिनेट के दौरान ब्रेक्सिट का भी समर्थन किया था 2016 के यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप रेफरेंडम के दौरान, यूके लीविंग यूरोपियन यूनियन का। सुनक 2017 में भी एमपी के तौर पर री इलेक्ट होकर चुने गए थे 23,108 वोट की इंक्रीज्ड मेजोरिटी के साथ। अपने सेकंड टेन्योर के दौरान ऋषि ने सर्व करा एज अ पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी फॉर लोकल गवर्नमेंट। 2019 के भी जनरल इलेक्शन में वह फिर तीसरी बार सांसद बने और ब्रिटिश संसद में पहुंचे। 2019 में ऋषि ने बोरिस जॉनसन का खुलकर समर्थन करा था कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप के इलेक्शंस के दौरान, जिसके बाद बोरिस जॉनसन चुने गए थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पद पर। बोरिस जॉनसन के कैबिनेट रीशफल के दौरान ऋषि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुने गए फरवरी 2020 में। ऋषि जिसके बाद ऐसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति रहे जो पहली बार ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर बना। ऋषि ने अपना पहला बजट
रिपोर्ट पेश करा 11 मार्च 2020 को। ऋषि के द्वारा लिए गए फैसलों से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ब्रिटेन की जनता काफी खुश रही थी। यह भी कहा जाता है ऋषि के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसलों से उनकी एक अच्छी छवि सबके सामने उभर कर आई है। ऋषि नियमित तौर पर टीवी चैनलों पर भी नजर आने लगे, जिसका ही कारण है कि आज वह ब्रिटेन में आज एक ऐसा चेहरा है जो नेक्स्ट पीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो एंगेजिंग लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।